हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका बहुत स्वागत है लॉ वीटा में। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स। सबसे पहले सॉरी बोल देती हूँ, बहुत लेट लेक्चर आ पाते हैं। आई थिंक आफ्टर 5 मंथ पहला लेक्चर जब एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का आया था वो 5 महीने पहले आया था और अब दूसरा आ रहा है। कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूँगी पर कोशिश करूँगी कि आगे के लेक्चर्स जल्दी जल्दी आ सकें। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो सभी लेक्चर्स पर। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के सब्जेक्ट में ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। चाहे आपका किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब्जेक्ट आ रहा हो तो ये इंपॉर्टेंट है, या अगर आपके LLB के सेमेस्टर में है तो भी। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी से समझते हैं। और कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या जितना मैं नोट्स दिखा रही हूँ वो सफिशिएंट है, तो मैं कहूँगी मोर देन इनफ है। देखो, फिर वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। 5 नंबर का है तो उसको बहुत छोटा करके लिख दो, मतलब 5 नंबर, मेरे हिसाब से तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज इज एनफ। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 to 4 पेज इज एनफ। ठीक है, तो और मेरा कंटेंट उससे ज़्यादा ही होता है, तो 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर सारा आंसर इसमें कवर हो रहा है। और अगर इनकेस और भी थोड़ा, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा अपनी सूझबूझ से आप क्या समझते हो उससे एलाबोरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, नंबर इज़ नॉट द कंसर्न, कंटेंट मोर देन एनफ है। और पहले बता देती हूँ, हमारे इस सब्जेक्ट के या किसी भी और लीगल सब्जेक्ट के हमारे लेक्चर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे ईमेल आईडी कहीं पे भी यू नो इंक्वायर कर सकते हो। नोट्स पेड हैं, ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आप हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखो तो हमारे सिस्टम में देर आर 3 पिलर्स। ठीक है, 3 स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जो इस पूरे कंट्री को रन करते हैं, गवर्न करते हैं, है ना। और हर ऑर्गन के अपने अपने डिफाइंड फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, जो कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उन्हें प्रोवाइडेड हैं। जैसे लेजिस्लेचर का प्राइम फंक्शन है टू मेक द लॉज एंड पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव का है उन लॉज एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना, एंड जुडिशरी का है उन लॉज एंड पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना एंड मैटर्स को एडजुडिकेट करना। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, ये बेसिक बात ये कहती है कि कोई भी ऑर्गन, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। आपका जो रोल है आप उस तक सीमित हो, आप दूसरे के रोल में एंटर नहीं करोगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे। एंड दिस इज़ वॉट वी कॉल सेपरेशन ऑफ पावर, कि सबकी पावर अलग अलग है, सेपरेट है, कोई किसी के मामले में दखल नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने बताया लेजिस्लेचर इनेक्टमेंट ऑफ लॉ करता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड जुडिशरी द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो क्या कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, कि हर ऑर्गन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द अदर वन, एंड कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा, जिसका जो फंक्शन है वो वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखना। अभी ब्लैकस्टोन ने सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन किया है। ही सेज दैट इफ़ द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस वर गिवन टू वन मैन, देयर वाज एन एंड ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अगर हम ऐसा प्रिज्यूम करें कि किसी एक ही बॉडी के पास या किसी एक ही बंदे के पास हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की फंक्शंस और पावर्स असाइन कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक सिस्टम होगा? क्या आपको लगता है कि चीज़ें अपने हिसाब से होंगी? एक वेलफेयर स्टेट को हम स्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी और कोई भी काम नहीं होगा ढंग से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन के माध्यम से ब्लैकस्टोन इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स की ज़रूरत है कि देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सबकी पावर सेपरेट हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड नो वन शुड इंटरफेयर इन अदर्स टेरिटरी, राइट। किस तरह से ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ है, तो माना जाता है कि प्लेटो एंड अरिस्टोटल के टाइम से ये डॉक्ट्राइन कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुई थी। इसके कुछ अंश दिखते हैं। 16th सेंचुरी में जॉन बॉडिन ने इस पर बात की, एंड इन फर्दर 17th सेंचुरी जॉन लॉक डेवलप दिस डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हाउएवर, अगर हम यू नो साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली बात करें कि भाई एक तरीके से इस डॉक्ट्राइन को किसने सामने लाया, तो वो थे मॉन्टेस्क्यू। याद रखना, इन्हें ही फादर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन का कहा जाते हैं। और इन्होंने अपनी बुक नेम स्पिरिट डेस लॉयस, इंग्लिश में इसे स्पिरिट ऑफ लॉज कहते हैं, जो कि 1748 में आई थी, उसमें इस प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया था, इसका जिक्र किया था। ही फॉर्मुलेटेड द थियोरी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने इस थ्योरी को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मुलेट किया था। उन्होंने क्या कहा है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में,
दैट वन पर्सन और बॉडी शुड नॉट एक्सरसाइज मोर देन वन टाइप ऑफ थ्री पावर्स, कि एक पर्सन या एक बॉडी को एक ही पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड किसी भी और बॉडी की पावर्स को परफॉर्म नहीं करना चाहिए या उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. अब हम इस थ्योरी के, इस डॉक्ट्राइन के एप्लीकेशन की बात करें, सो थ्योरेटिकली स्पीकिंग यूएसए माना जाता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस थ्योरी पर बेस्ड है, सेपरेशन ऑफ पावर्स पर बेस्ड है. पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पूर्णतः उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस डॉक्ट्राइन पर बेस्ड है, पार्शली है बट कम्प्लीटली होलसमली नहीं है. राइट, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द फैक्ट दैट देर इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो देखो एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का स्पेसिफिकली कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. उन सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, लेकिन वो रिजिड डिवीजन नहीं है. ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं उनके फंक्शंस के कंटेक्स्ट में कि कोई भी किसी और के पावर्स में इंटरफेयर या इंक्रोच नहीं करेगा. एक कैजुअल फंक्शन का डिटरमिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए हमें दिखता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन में कहीं ना कहीं एंटर हो जाता है. वो कैसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डिफाइन नहीं है, पर जो एक डिवीजन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो कैसे है. एग्जीक्यूटिव पावर्स आर विद द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स आर विद द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल पावर्स आर विद द कोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स. लेकिन एक आर्टिकल है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के आइडिया को शोकेस करता है. पार्ट 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. इट लेज डाउन दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. तो इसे याद रखना और इसे आंसर में कोट करना मत भूलना. अब हम अगर बात करें कि हम सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को अगर इंडिया में अप्लाई करते हैं तो किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, तो आइए वो देखते हैं. वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा. देखिए, सेंटर में प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड और स्टेट्स में गवर्नर है. वैसे तो उनका पावर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस तक सीमित है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखें तो इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है, जो कि एक लॉ मेकिंग पावर है. सिमिलरली बिल्स को फाइनल असेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं, गवर्नर देते हैं टू मेक देम, टू कन्वर्ट देम इनटू एन एक्ट. तो इन दैट वे एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फंक्शनिंग द लेजिस्लेटिव पावर. तो है ना ये कि हमारी कंट्री में पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर नहीं आ सकता है, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलता है. सिमिलरली सेकेंड पॉइंट इज, पार्लियामेंट के पास प्राइम फंक्शन तो लॉ मेकिंग प्रोसेस का ही है, लेकिन ये कुछ जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. जैसे अगर कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करता है, या अगर हमें किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्पीच करना है, या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होना है, तो वो पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू ही होता है. सो इन दैट वे पार्लियामेंट, दैट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इज परफॉर्मिंग द जुडिशियल फंक्शन. राइट, लेट्स सी फर्दर. हाई कोर्ट्स जो कि एक जुडिशियल बॉडी है, आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर परफॉर्म करते हैं, एंड इन दैट वे दे आर परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, और यहाँ पर वो लोग एक तरह से एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सिमिलरली हाई कोर्ट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट्स के लिए जो भी एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स हैं, वो भी कोर्ट्स खुद ही बनाते हैं. सो इन दैट सेंस कोर्ट्स जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं. तो आप देख रहे हो किस तरह से डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्ट वे में एक बॉडी दूसरे बॉडी के भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी कंट्री में. पर एक बात बहुत अच्छी है, ये हमने कई सारे लैंडमार्क केसेस में भी जाना है कि हमारी कंट्री की जो जुडिशरी है इट इज़ इंडिपेंडेंट. इसको कैसे हम कोट करते हैं, देयर इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम इन आवर कंट्री, एंड विच वी कैन से इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन आवर कंट्री. राइट, तो ये थे कुछ मेजर फंक्शंस जिससे हमने जाना कि अगर हम चाहे भी सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को पूर्णतः हमारी कंट्री में अप्लाई करने के लिए तो वो नहीं अप्लाई होगा, एंड द कंक्लूजन्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ बिफोर समिंग अप, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं.
सो फर्स्ट इज गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. इसमें कोर्ट ने कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को उनके ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन कर रखे हैं एंड उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पावर्स को परफॉर्म करें विदाउट ओवर स्टेपिंग देयर लिमिट्स, विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर ऑर्गन्स पावर्स, राइट. तो ये गोलकनाथ में कहा गया था. नेक्स्ट केस इज केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये एक स्ट्रक्चरल बेसिस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एंड देयरफॉर इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द सेम थिंग वॉज राइटरेटेड इन इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस, वेर इन द कोर्ट हेल्ड दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर का बेसिक फीचर है, इसीलिए इसे अमेंड नहीं किया जा सकता है, राइट. तो आई होप द केसेज आर क्लियर. इन द एंड लेट्स सी सम क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कुछ क्रिटिक्स किस बेसिस पे इस डॉक्ट्राइन को क्रिटिसाइज करते हैं. तो पहला पॉइंट है, उनका कहना होता है कि अगर हम हिस्टोरिकली एस्पेक्ट से देखें तो कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्राइन जस्टिफाइड नहीं है. पहले के टाइम में ये अप्लाई ही नहीं हो सकती थी, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज़ हिस्टोरिकली इनकरेक्ट. एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए भी ये एक इम्पॉसिबल प्रिंसिपल है. सिमिलरली एक स्टेट में एब्सोल्यूट सेपरेशन तो संभव ही नहीं है. तो ये चीज़ तो हमने देख भी ली थी, हमारे इंडिया में भी ये बिल्कुल एब्सोल्यूट तो सेपरेशन है ही नहीं. एंड यूएस में भले ही कॉन्स्टिट्यूशन इस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है पर फुल्ली वहाँ पर भी ये डॉक्ट्राइन नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव दिस प्रिंसिपल अप्लाइड एब्सोल्यूटली इन एनी कंट्री, राइट. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ. आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर. बहुत ईजी है, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उन्हें याद रखोगे तो आंसर बड़ा अच्छा सा फॉर्मुलेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो. और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना कि अगर ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में है ना तो आप इनमें तो मार्क्स लूज कर ही नहीं सकते हो. ये वो टॉपिक्स है कि इन्हें तो आपने एक या दो बार पढ़ लिया और माइंड में सेट है. तो मुझे लगता है ये वीडियो देख लेंगे आप और चाहे अपने नोट्स बनाओ चाहे इससे नोट्स बनाओ और आपका ये टॉपिक तैयार है. और इसमें कुछ यू नो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जैसे कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, मोंटेस्क्यू ने, कौन सी बुक में किया, एस्परेट डेलॉइस में या ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन. इस तरह के पॉइंटर्स को ध्यान देना क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी. फॉर दैट स्टे ट्यून विद आवर चैनल. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं एंड डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.